नमस्ते कर तो गाइस, आप सब हो को तो सोलो अच्छे हो। तो गाइस आज के वीडियो में हम एक और गाड़ी के साथ आ चुके हैं आप लोग के बीच। तो गाइस गाड़ी का नाम है टाटा नैनो। तो गाइस इस गाड़ी का नाम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है मेरे व्यूअर्स आए भी देख के पहचान जाने वाले गाड़ी को। तो भाई एक भाई का बहुत ही ज़्यादा कमेंट आया था मध्य प्रदेश में, उन भाई को गाड़ी चाहिए था। तो भाई 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 रात को मैंने जैसे आपको कमेंट किया था कि आ जाएगा कल, भाई आपका गाड़ी आ चुका है। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश ये गाड़ी है। टेंशन ना लगे, ये गाड़ी पसंद ना आए तो बेशक कमेंट करो, दूसरा भी गाड़ी ला सकता हूँ। मुझे जो अभी अवेलेबल मिला मैं आपके लिए रिव्यू कर रहा हूँ। तो गाइस देख सकते हैं गाड़ी का लुक कुछ इस टाइप का है, सिल्वर कलर का गाड़ी, सिल्वर ब्लू टाइप का गाड़ी है। और देख सकते हैं टाटा का बैजिंग मिल जाएगा। MP नंबर गाड़ी है, नंबर पूरा तो नहीं दिखाऊंगा, बस हाँ आधा दिख सकता है क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ का ग्लास पूरा नहीं दिखाया जाता है। टायर कंडीशन का बात करें तो आप देख सकते हैं टायर बिल्कुल ब्रांड न्यू है, अलॉय आपको लगा हुआ मिल जाएगा। मैं बता तो ये जो गाड़ी है टॉप मॉडल नहीं है, टॉप मॉडल से एक वेरियंट नीचे है, उससे ज़्यादा नीचे नहीं है गाइस, बस एक वेरिएंट नीचे है। इसमें चाहे तो आप फॉग लैंप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉग लैंप अभी अवेलेबल भी है, टाटा नैनो का मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिलता तो ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं, ऑनलाइन तो मतलब इजीली अवेलेबल रहता ही रहता है। तो गाइस देख सकते हैं लुकवाइज की बात करो तो काफ़ी खूबसूरत गाड़ी लगता है। हेडलैम्प की बात करें काफ़ी बड़ा बड़ा मिलता है, साइड इंडिकेटर आपको इसमें दो दो देखने को मिल जाते हैं, एक हेडलैम्प में देखने को मिलता है, एक साइड में देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा लगा। फीचर्स देखा जाए तो गाइस टेल लैम्प इसका देख सकते हैं, इंडिका का जैसे आता था उसी टाइप से इसका भी टेल लैम्प डिज़ाइन किया गया है। तो खैर काफ़ी अच्छा लगता है इंडिका से, तो काफ़ी अच्छा इसका ये बॉडी लगता है क्योंकि थोड़ा छोटा गाड़ी है और थोड़ा ऊंचा भी है, तो काफ़ी अच्छा इसका डिज़ाइन लगता है। इंजन का बात करें तो उसका पीछे इंजन है, तो गाइस काफ़ी अच्छा इसका इंजन भी है। इंजन भी आप ओपन करके देख सकते हैं, इंजन में कोई दिक्कत नहीं है जब आप लेने आए तो। बाकी साइड प्रोफाइल का बात करें तो गाइस देख सकते हैं गाड़ी के ऊपर कोई रस्टिंग नहीं है, कहीं से एक्सीडेंटल गाड़ी नहीं है। कितना लोग होते हैं जो कि गाड़ी एक्सीडेंट करके बेच दिया करते हैं, बट ये टाटा नैनो आप समझ सकते हैं टाटा नैनो का क्या ही एक्सीडेंट हुआ होगा। मतलब लोग पहली बात तो उतना ज़्यादा लोग इसको यूज़ नहीं करते डेली पर्पस में, लोग शौक जो रखते ज़्यादा गाड़ी रखने का वही रखते हैं सब ओल्ड ओल्ड गाड़ी। तो गाइस देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड इंटीरियर का बात करें तो इंटीरियर देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लग रहा है इंटीरियर। आपको इसके अंदर एसी का बात तो विथ हीटर के साथ आपको मिल जाएगा, मतलब आप इसका कूलिंग भी कर सकते हैं एंड हीटर भी यूज़ इसका कर सकते हैं, दोनों आपको मिल जाने वाला है। एसी भी आपको काफ़ी अच्छा इसमें देखने को मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का बात करो तो काफ़ी अच्छा स्पीड और सारा कुछ आपको लाइट वाइट मिल जाएगा, इंजन लाइट से लेकर के चेक लाइट सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। स्टेयरिंग की बात करते हो 2 स्कोप स्टेयरिंग है, जैसे मैंने बोला टॉप मॉडल नहीं है गाड़ी, उससे एक मॉडल नीचे है बेस मॉडल। तो गाइस इसमें 2 स्कोप आता है, जो टॉप मॉडल होता है उसमें 3 स्कोप स्टेयरिंग भी लाता है। और आगे में इसको इसका फ्रंट में आपको पावर विंडोज देखने को नहीं मिलेगा, ना बैक में ही मिलेगा। टाटा नैनो का खैर बैक में तो आता नहीं था, बट फ्रंट में आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा, मैनुअल विंडोज मिलने वाला गाइस। एंड गियर बॉक्स का बात करो तो भी आपको मैनुअल मिल जाएगा। म्यूजिक सिस्टम का बात करें तो कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, इसमें आपको ब्लूटूथ अवेलेबल मिल जाएगा एंड ऑक्स का भी ऑप्शन मिल जाने वाला है। एंड साइड लुक आप देख सकते हैं पीछे से बहुत ही अच्छा गाड़ी लग रहा है। फ्रंट लुक सब कुछ तो मैंने आपको दिखा दिया, लुक का बात करें तो गाइस काफ़ी अच्छा गाड़ी लग रहा है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो बहुत पसंद है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में बेशक बताएं। तो गाइस अब मैं इसको और डिटेल बता दूँ गाड़ी का क्या है क्या नहीं है, उससे पहले आप पीछे का भी थोड़ा देख लें। तो गाइस पीछे का सीट देख सकते हैं काफ़ी अच्छा क्वालिटी है। टाटा नैनो का सीट का बात करेंगे बहुत अच्छा क्वालिटी आपको मिल जाएगा, टाटा का गाड़ी है हर क्वालिटी के मामले में तो इसे जाना ही जाता है। एंड पीछे में आप देख सकते हैं आपको काफ़ी अच्छा लेग रूम देखने को मिल जाता है, लेग रूम में कोई दिक्कत नहीं है। एंड बीच में जो बंदा बैठेगा उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, पीछे में 3 लोग तो बहुत ही आराम से बैठ जाने वाला है, कोई दिक्कत उन्हें नहीं होने वाला। तो गाइस गाड़ी का मैं और भी ज़्यादा डिटेल आपको बता दूँ तो गाइस टाटा नैनो 2012 मॉडल है, 12 से 15 के बीच में जो LX वेरियंट आता था वही है, 65,000 इसका प्राइस है। तो टेंशन ना ले, प्राइस कम हो जाएगा, ऑनर से बात करके और प्राइस कम करा लीजिएगा क्योंकि पता है ओल्ड गाड़ी है, 2012 मॉडल है, तो प्राइस कम कर देगा, डोंट वरी। ये थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखा रहता है, मतलब बताया जाता है कितना मतलब बेचूंगा, बट आप कम करा सकते हैं। पेट्रोल वेरिएंट गाड़ी है, 35,000 किलोमीटर है गाड़ी चलो। एंड गियर बॉक्स का बात करते हैं तो गाइस मैनुअल इसमें आपको गियर बॉक्स मिल जाएगा। ऑनर का बात करें तो फर्स्ट ऑनर गाड़ी, आप जैसी गाड़ी को लेंगे आप बन जाएंगे सेकेंड ऑनर। एंड लोकेशन का बात करें तो गाइस ये आपको गाड़ी मिल जाएगा भोपाल में, तो ये काफ़ी अच्छा लोकेशन है, मतलब मध्य प्रदेश में जो भोपाल आता है वहाँ का है भाई ने जो कमेंट किया था। और भी मैं इसका डिटेल बताऊँ तो गाइस गुड कंडीशन गाड़ी है, फर्स्ट ऑनर है, न्यू इंश्योरेंस आपको कराया हुआ मिल जाएगा गाड़ी का, गुड माइलेज दे देता है, ठीक है माइलेज का बात है तो काफ़ी अच्छा देता है। एक्सीडेंटल गाड़ी नहीं है, एडजस्टेबल आपको मिरर्स में मिल जाएगा, मैनुअल ठीक है, एयर कंडीशन विथ हीटर के साथ मिल जाएगा, बैटरी आपको न्यू मिल जाएगा, व्हीकल सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा आपको, कलर ग्रे कलर का गाड़ी है। इंजन कैपेसिटी का बात करें तो गाइस 1000 CC का इंजन है। इंश्योरेंस टाइप का बात करें तो गाइस थर्ड पार्टी कराया हुआ है, मेक मंथ जनवरी का है। पावर स्टीयरिंग आपको देखने को मिल जाएगा, पावर विंडोज
नहीं मिलेगा आपको इसके अंदर गाइस, AM/FM रेडियो मिल जाता है। रजिस्ट्रेशन का बात करेंगे तो गाइस MP नंबर रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। एक्सचेंज का ऑप्शन मिल जाता है, आप चाहें तो दूसरे गाड़ी के साथ टाटा नैनो को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। और सर्विस हिस्ट्री आपको अवेलेबल मिल जाएगा गाड़ी का, तो सोच सकते हैं 2012 मॉडल का गाड़ी का सर्विस हिस्ट्री अवेलेबल है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है गाइस। एंड टायर कंडीशन का बात करें तो बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर है। तो अब मैं इसका बताता हूँ ऑनर का नाम क्या है, तो गाइस राजधानी कार्स ऑनर का नाम है जहाँ से गाड़ी सेल हो रहा है। कॉन्टेक्ट नंबर देता हूँ, तो गाइस डिस्प्ले पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, ये है ऑनर का कॉन्टेक्ट नंबर, करना कुछ नहीं, इस नंबर पे कॉल करना है एंड ऑनर से बात करना है, प्राइस जितना हो सकता है उतना कम करा के गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेना है, पसंद आता है तो बेशक ले, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। कोई और गाड़ी चाहिए तो मुझे बेशक कमेंट करो, अर्जियन भाई को जिस स्टेट जिस डिस्ट्रिक्ट में गाड़ी चाहिए बेशक कमेंट करें, आपके लिए गाड़ी आ जाएगा भाई। होकर तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगता तो एक लाइक जरूर कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।